हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही प्यारा यूनिक सा फ़ोटो फ्रेम लेकर के मैं फिर से आ गई हूँ। तो ये पिकॉक डिज़ाइन का है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। और आप डिटेल में देख सकते हो कैसा है। तो ये आपको कहीं भी इजीली फ़ोटो फ्रेम के शॉप में नीचे का इसका जो बोर्ड है वो मिल जाएगा एंड मिरर भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है 20 इंची का ये बोर्ड जो फ्रेम के नीचे लगता है। और यहाँ मैंने ये गोल साइज़ का मिरर कटवाया है। आपको गोल नहीं, चौकोर जैसा भी कटवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने गोल ही कटवा लिया। तो ये देखिए, अभी मैं फ़ोटो को शीशे के हिसाब से कट कर लूँगी निशान लगा के। तो बढ़िया से कट कर लेनी है एंड इसको हम अच्छे से चिपका के सेट कर देंगे। तो ये देखिए, सेंटर में अभी ऐसे चिपका दूंगी। तो ये ग्लू गन से मैं चिपकाऊंगी। और ये मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये ऑर्डर का है और ये एनिवर्सरी में गिफ्ट करना है, तो बस उसी का ऑर्डर है। तो अभी मेरे पास एक ऑर्डर और है, वो भी ऐसे फ़ोटो फ्रेम ही है, फैमिली फ़ोटो फ्रेम। तो वो भी बड़ा प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। और भी बहुत सारे मैं ऐसे बना करके लाती रहूँगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको से बोलूँगी कि अगर आपको ये वाकई कुछ अलग लगा तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, जहाँ फ़ोटो फ्रेम वगैरह बनती है वहाँ पर आपको बोर्ड मिल जाएगा एंड ये मिरर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, पिकॉक हम बना लेंगे क्ले से एंड बना के जो हमने ड्रॉ किया था उसी के ऊपर सेट कर दिया। तो ये देखिए, पंख भी हमें ऐसे बना लेने हैं। अभी पंख के बीच में हम छोटा सा बीच में छोड़ करके, और ये देखिए ऐसे साइड से ऐसे कट लगा के, और हम पूरे में पंख में लाइन लाइन सी बना देंगे। तो ये सारे पंख हमने कुछ इस तरह सेट कर लिए हैं, कुछ कलर भी मैंने किए हुए थे। तो बस अभी मैं फ्लावर की डिज़ाइन बना लूँगी। तो पिंक के ऊपर से मैंने ब्लू का भी एक कोट किया हुआ है, साइड से आप देख रहे हो येलो के साइड से है। तो यहाँ से क्योंकि मुझे एक मिरर की डिज़ाइन और बनानी है तो इसलिए मैंने ब्लू किया हुआ है। तो अभी मैं एक देखिए क्ले का जो एक लाइन और बनाऊंगी पूरा सर्कल का, एंड इसमें मैं मिरर से ना ऐसे थोड़ा सा मिरर के कॉर्नर से थोड़ा पुश करके ऐसी डिज़ाइन बना दूंगी पूरे में, और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के उभरेगी। तो हमें ऐसा नहीं है कि टूल नहीं है तो टूल के बगैर हम नहीं बना सकते। आपके घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस ऐसे पूरे सर्कल के क्ले में ना ऐसे ही हमें पुश कर कर के डिज़ाइन बना लेनी है। अब मैं यहाँ फ्लावर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, कुछ ऐसे ही फ्लावर बना लेने हैं, और जो मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखा रही हूँ ऐसे ही मैं ढेर सारे फ्लावर एंड लीव्स बना करके रख लूँगी और बाद में एक साथ सेट करूँगी। तो दोस्तों, जितनी मैंने मेहनत की है तो उतना आप इसको वॉच भी करिए और वायरल भी करिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप वीडियो देखें तो प्लीज़ शेयर भी करिए साथ में। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप शेयर करेंगे तभी तो वीडियो वायरल होगा, एंड इतनी अच्छी सुंदर सी चीज़ जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है वो सबके साथ आप शेयर करेंगे तो सब जगह जाएगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस ऐसे ही फ्लावर जो है सेट कर देने हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कलर आप अपनी मर्ज़ी का करिए, जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। बट इसको सोचने में काफ़ी टाइम लगा, और आपको मैं बना के दिखा रही हूँ तो आपको काफ़ी बचत होगी इसकी टाइमिंग को लेकर के। तो सभी चीज़ों को फेविकोल से चिपकाना है। तो यहाँ मैंने ग्लू गन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, फेविकोल से ही चिपकाया है, और इतना स्ट्रॉन्ग चिपका है कि मिस्टेक वाई एक फ्लावर गलत जगह से चिपक गया था, मतलब कि गलत तरीके से चिपक गया था इस पेंटिंग में नहीं, किसी और में। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने रात में उसको चिपका दिया था, और सुबह जब मैं देखी तो ये थोड़ा सा इसका एंगल सही नहीं है, सेट करने के लिए निकाल रही थी तो पूरा फ्लावर टूट गया, बट निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया।
उसको निकालना ना, दांतों पसीना आ गए, टूट के बिखर गया, फिर खरोच खरोच के निकला, तो बहुत ही स्ट्रांगली लग जाता है। बस आप फेविकोल प्रॉपर अच्छे से लगाइए। तो देखिए, पूरा जो सर्कल है उसे अच्छे से कवर कर देना है। तो जो हमने ग्लू गन से इसको मिरर को चिपकाया हुआ है पूरा सर्कल में, तो वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ऐसे लॉक हो जाना चाहिए कि एक सुंदर सा लुक फ़ोटो फ्रेम के साथ उभरे। बट अंदर का जो जो हमने मिरर सेट किया वो दिखना नहीं चाहिए। तो बस पीकॉक को सुंदर सा बना लेंगे एंड बढ़िया बढ़िया से डिज़ाइन इसमें उभार देंगे। तो देखिए, एक लाइन जो मैंने बोला था ब्लू के ऊपर मैं मिरर लगाऊंगी, तो मैं ये मिरर लगा रही हूँ। एक लाइन मिरर की और लगा लूंगी। तो देखिए, सभी को ग्रीन कलर से कर लेना है कलर पंख को। तो पीकॉक ग्रीन लीजिएगा, जो गोल्डन और हल्का ब्लू और ग्रीन का मिक्स होता है पीकॉक ग्रीन, तो वो ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें गोल्डन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे एंड स्पार्कल वाला लुक आ जाएगा। और इसके बाद कलर करेंगे उसके ऊपर हल्का लाइट का शेप, ब्लू का शेप देते जाएंगे, तो बड़ा सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी फ्लावर लगभग कलर हो गए हैं एंड लीव्स हम कलर कर लेंगे कुछ ग्रीन का, और छोटे छोटे जो फ्लावर्स बना रखे हैं वो येलो कलर का और ऑरेंज का टचअप देते हुए ऐसे हम सारी चीज़ें कलर कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथ से। एंड अगर कहीं फ्लावर में या फिर नीचे थोड़ा सा मैसी सा इधर उधर हो गया ना, मतलब कि कलर जो है कलर करने में इधर उधर थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम उसी सेम कलर से उसको ना सेट कर देंगे और जो कलर इधर उधर लगा है वो सब टचअप देके ठीक कर देंगे। तो देखिए, पीकॉक के पंख को बढ़िया ब्लू कलर बीच में एंड थोड़ा सा रेड का एंड गोल्ड स्पार्कल और साइड में गोल्डन कलर का एक राउंड शेप देते हुए सुंदर सा हमें पीकॉक का पंख बना लेना है, क्योंकि पीकॉक का पंख तो अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। तो बस सारी चीज़ों को टचअप दे देंगे एंड सुंदर सुंदर उभार लेंगे। तो अभी जो ग्रीन कलर की फ्लावर के पास लीव्स हैं, इसे हम गोल्डन कलर से ना थोड़ा सा टचअप देंगे, गोल्डन कलर की थोड़ी लाइन आउट लाइनिंग देंगे, तो बहुत ही प्यारी बनके तैयार होंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा डेकोरेशन करके लास्ट टच करके इसे ड्राई करने को रख देंगे। तो ड्राई होने के बाद क्या होगा कि हम इसको अच्छे से साफ़ कर सकेंगे। तो जो भी कलर इधर उधर लगा है उसमें टचअप दे देंगे एंड जो मिरर वगैरह जो टूटे फूटे या फिर थोड़ा सा क्ले वगैरह जो बिखरी उसको सभी को साफ़ कर देंगे। आप इसमें हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं या तो फिर नेल रिमूवर से भी साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है सभी मिरर वगैरह को एंड देखिए कितना शाइनी और कितना सुंदर लुक आया है। तो देखिए, मेरा बेटा बोलता है, मम्मा इतने सुंदर सुंदर आपने जो ये फ्रेम बनाए हुए हैं ना, तो लोगों को बना बना के दिए हैं बट अपने घर में एक भी नहीं टांगा, और ये कितना सुंदर है, आप इतनी सुंदर चीज़ें बना लेते हो बट ये सुंदर चीज़ें दूसरे लोगों के घर में हैं, हमारे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अपने लिए एक भी नहीं बनाई, तो जो बनाई तो सब दूसरे के लिए ही बनाई हैं। तो ये देखिए, मैं सिर्फ चार जितना लगाती हूँ, जितने का सामान आता है, एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया हुआ है क्योंकि मैं कोई अभी सेल नहीं कर रही हूँ वैसे, तो बस पहचान वालों को या फ्रेंड लोगों को ही दे रही हूँ। तो बहुत बहुत प्यारा बनके तैयार हुआ है और जिसने देखा है, करीब 50 लोगों ने देखा होगा, तो सबने इतनी तारीफ़ की है कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो मुझे तो सजेस्ट भी किया गया कि तुम शॉप डाल लो, और इतना सुंदर फ़ोटो फ्रेम और इतना सुंदर सा जो एंटिक पीस है, ये एकदम एंटिक पीस है, तो कहीं भी हमने आज तक नहीं देखा इस लुक में, फ़ोटो फ्रेम के लुक में। तो अगर सच में ऐसा है दोस्तों, तो प्लीज़ इतनी कंजूसी मत करिए। अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो आपका सब्सक्राइब मुझे चाहिए और खूब सारा शेयर भी चाहिए। तो दोस्तों शेयर करने में भी बिल्कुल कंजूसी मत करिए। तो इतनी अच्छी मैंने मेहनत करके इतनी अच्छी चीज़ आपको दिखाई है बना करके, तो प्लीज़ खूब सारा शेयर करिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। और चलती हूँ, कुछ नया नया लेके आती हूँ, तो नया होगा एक नेक्स्ट फ़ोटो फ्रेम। तो मैं एक सुंदर सा फ़ोटो फ्रेम और बनाई हूँ, तो उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो मैं आज जब इसको आपको डाल रही थी तो आज ही मैंने उसको उन्हें दिया हुआ है बना के, तो बड़ा सुंदर सा वो भी है। तो मैं हो सकता है कल या परसों वो भी डाल दूँगी। तो प्लीज़ जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड खूब सारा वॉच करिएगा। और ये देखिए सुंदर सा फ़ोटो फ्रेम, तो कलर देखिए कितने यूनिक से उभर के आए हैं। जब इसमें मैंने वार्निश की है तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश कर दी है, तो कलर एकदम शाइनी से और एक अलग ही लुक में उभर के आए हैं। और बहुत 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 प्यारा बना है, मुझे देने का मन भी नहीं कर रहा। तो सच में वाकई एकदम एंटिक पीस लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा लोगों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।